बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह गवादरी। आज आप लोगों को यह सुनाऊंगा, जय सुनिए। नबुवत से पहले नबुवत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और ताल्लुकात। नबुव्वत से पहले हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक क्या कैफियत और कसब माश क्या सूरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी बेहतरीन इखलाक का खजाना था। सच्चे दयानतदार, रहम और सखावत, वफादार, वादा की पाबंदी, बुज़ुर्गों की अजमत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों से मोहब्बत, दोस्तों की अमदद, अज़ीज़ की गनीमत की मखलूक़ खुदा की खैर ख्वाही, गरज, तमाम अच्छी बातों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मरतबा अता किया, ताकि नामुमकिन है कोई इसकी भी पहुँच सके। बेहतर इखलाक का असर था, लोगों आदाब के बायस नाम नहीं लेते थे। सादिक और अमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुकर्रर रखा था। मुनातिब संजीदगी, कम बोलते, बेफायदा बातों से नफरत करना, कंधा पेशानी, रसने कुछ लोग से मिलना, सादगी सफाई से बात करना हुज़ूर सल्लम खास सेवा था। खुदाए आलम ने आपकी लड़पनी में तमाम बुरी बातों से महफूज रखा, जो इस ज़माने में रवाज पाया हुआ था। हर से तामा, दुआ, दगा, फरेब, झूठ, शराब, जिना, नाच गाना, लूट चोरी, बुत परस्ती का नाम का चीज़ काना, बुतों पर चढ़ा और इशार गवा, इश्के बाजी, ये तमाम बातों जो इस ज़माने में गोया हर एक जन्म में होते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन सब से बाखल फाक और साफ रहा। इस चीज़ से मालूम कहता है कि यानी गुनाहों से बचा हुआ है। लुत्फ यह है, ना आपने कोई किताब पढ़ा, ना किसी के मुरीद हुआ, ना किसी ने आपकी बाकायदा तरगीब दिया। ये तमाम को भी खुदाया अदा था। यह तो था हमारे अल्लाह नबी सल्लम की नबुवत की ज़िंदगी के बारे। आगे आप लोगों को इंशाल्लाह अगले आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।